हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग्स ऑफ नील। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ में हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। बात इतनी आ गई है कि पूरी दिल्ली तक बात पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है, जंगली इलाका है, वहाँ के लोग जो आदिवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर, क्योंकि वहाँ की जो जंगलें हैं वहाँ लाखों पेड़ों की कटाई का आदेश दिया गया था और कटाई चालू ही हो गई थी, लेकिन अभी वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया और काफ़ी मुद्दे उठाए गए। और आपने देखा ही होगा हैशटैग हसदेव, हैशटैग सेव हसदेव, जो हाल ही फ़िलहाल में सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वन्य क्षेत्र हसदेव जंगल में वनों की कटाई का आदेश दिया गया है, जिससे वहाँ के आदिवासी लोग काफ़ी परेशान हैं, हमारा छत्तीसगढ़ काफ़ी परेशान है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ जैसे हरियाली वाले वन्य क्षेत्र को उजाड़ के वहाँ पर खनन कार्य करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि उस हिसाब से काफ़ी गलत है और हमें इसे बचाना है। बात इस हद तक बढ़ गई है कि जंगलों की कटाई के नाम से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं, तो यह काफ़ी चिंता का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ में जो ऐसा कार्य किया जा रहा है। बात इतनी तक बढ़ गई है कि लोग कांग्रेस सरकार के ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि सेव हसदेव छत्तीसगढ़ की बात है, तो मैं भी एक छत्तीसगढ़ वासी हूँ, तो हक बनता है इस बात को कहने के कि सेव हसदेव, सेव छत्तीसगढ़, और वहाँ की जंगलों को ना उजाड़ा जाए और वहाँ के लोगों की बातों को सुना जाए, वो क्या चाहते हैं, सरकार इस बात को समझे और जंगल को बचाएं। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सेव हसदेव, सेव छत्तीसगढ़, हमें जंगलों को नष्ट नहीं करना है, उन्हें बचाना है, क्योंकि नेचर से ही सब कुछ है, चाहे वो इंसान हो या अन्य जीव जंतु, पेड़ है तो सब कुछ है। पेड़ बचाओ और जीवन को आगे बढ़ाओ और पेड़ लगाओ, पेड़ काटने के बजाय पेड़ उल्टा लगाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।